Good morning, student. How are you all? Fine. Today we will teach English subject identify and circle the letter. आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा पिक्चर है, उसके बाद आपको लेटर में सर्कल करना है, ठीक है. मैं उसके बाद आपको बिफोर लेटर भी सिखाऊंगी और राइट द फर्स्ट लेटर भी कराएंगे, ठीक है. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट. आइडेंटिफाई एंड सर्कल द लेटर. ओके स्टूडेंट, देखिए कौन सा पिक्चर है, आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए पिक्चर कौन सा है. ये एन है ना, एन फॉर नेट. तो एन फॉर नेट कौन सा, देखिए एन फॉर नेट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पेंसिल. तो आपको एन फॉर नेट में सर्कल करना है इस तरह से. फिर देखिए ये कौन सा पिक्चर है, व्हाट इज दिस, दिस इज पेंसिल, पी फॉर पेंसिल. तो देखिए आर फॉर रोज, क्यू फॉर क्वीन एंड पी फॉर पेंसिल. ओके सर्कल द पी फॉर पेंसिल. व्हाट इज दिस, दिस इज ट्री, यू फॉर अम्ब्रेला, टी फॉर ट्री एंड वी फॉर वैन. टी फॉर ट्री में सर्कल कर देंगे. फिर व्हाट इज दिस, दिस इज स्पून, एस फॉर स्पून. तो सर्कल कर देंगे एस फॉर स्पून पर. व्हाट इज दिस, दिस इज यू फॉर अम्ब्रेला, पी फॉर पेंसिल, यू फॉर अम्ब्रेला, एल फॉर लोटस. तो सर्कल द यू फॉर अम्ब्रेला. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका व्हाट कम्स बिफोर. बिफोर यानी होता है पहले, आपको आफ्टर यानी क्या होता है बाद में, और बिफोर यानी होता है पहले. आपको दिख रहा है ये बिफोर बॉल, बिफोर बॉल के पहले क्या आता है बताइए, है ना. ये देखिए ये है आपका बिफोर बॉल. तो बिफोर बॉल के पहले क्या आया है बताइए, ए फॉर एप्पल. तो यहाँ पे लेटर में क्या लिखेंगे हम, ए फॉर एप्पल. ओके ठीक है. उसके बाद क्या दिख रहा है देखो आपको, डी फॉर डॉग, है ना. डी फॉर डॉग के पहले क्या आता है देखिए आप लोग, डी फॉर डॉग के पहले क्या दिख रहा है आपको, ये डी फॉर डॉग है एंड ये सी फॉर कैट. तो डी फॉर डॉग के पहले क्या आता है, सी फॉर कैट. ओके फिर F फॉर, D फॉर डॉग के बाद क्या आता है, या F फॉर, F फॉर फिश के पहले क्या आएगा देखो, F फॉर फी, ये F फॉर फैन एंड E फॉर एग एंड E फॉर एलिफेंट, है ना. F फॉर फैन के बाद क्या आता है, E फॉर एलिफेंट. तो यहाँ पे E फॉर एलिफेंट लिखेंगे आप लोग, ठीक है. उसके बाद E फॉर एलिफेंट के बाद देखो नीचे वाली लाइन पे आ जाओ आप लोग, H फॉर हाउस, है ना. H फॉर हाउस बिफोर, H फॉर हाउस बिफोर क्या होगा, G फॉर ग्रेप्स, है ना. H फॉर हाउस के पहले क्या होता है, G फॉर ग्रेप्स. उसके बाद देखिए कौन सा लेटर दिख रहा है आपको, J फॉर जोकर, है ना. J फॉर जोकर के पहले क्या आता है देखिए आप लोग, J फॉर जोकर के पहले, J फॉर जग के पहले क्या होता है, I फॉर आइसक्रीम. J फॉर जग बिफोर, I फॉर आइसक्रीम, है ना. बिफोर यानी क्या होता है पहले, जे फॉर जग बिफोर क्या होता है, आई फॉर आइसक्रीम. तो यहाँ पे आई फॉर आइसक्रीम लिखेंगे अपन. फिर देखिए एल फॉर लोटस, है ना. एल फॉर लोटस के पहले क्या आता है, एल फॉर लोटस के पहले देखिए, सॉरी, एल फॉर लोटस के पहले क्या दिख रहा है आपको, के फॉर काइट. तो के फॉर काइट को लिखेंगे यहाँ पे अपन. ओके फिर नेक्स्ट है आपका एन फॉर नेट, है ना. N फॉर नेट, N फॉर नेट के पहले क्या आता है देखिए, A N फॉर नेट होता है और ये M फॉर मैंगो. तो N फॉर नेट के पहले क्या आता है, M फॉर मैंगो. तो यहाँ पे M फॉर मैंगो लिखेंगे. ओके M फॉर मैंगो के बाद क्या दिख रहा है, कौन सा लेटर है, P फॉर पेंसिल. तो P फॉर पेंसिल के बाद पहले क्या आता है देखिए, ये आपको दिख रहा है P फॉर पेंसिल, है ना. P फॉर पेंसिल के पहले क्या दिख रहा है आपको, O फॉर ऑरेंज. ओके पी फॉर पेंसिल बिफोर, ओ फॉर ऑरेंज, यहाँ पे ओ फॉर ऑरेंज दिखेंगे आप. फिर कौन सा लेटर दिख रहा है देखिए, आर फॉर रोज, आर फॉर रोज के पहले क्या आता है देखिए, देखिए ये कौन सा लेटर है, आर फॉर रोज एंड ये क्या है, क्यू फॉर क्वीन. तो आर फॉर रोज के पहले क्या आएगा, क्यू फॉर क्वीन. फिर देखिए कौन सा लेटर दिख रहा है, टी फॉर ट्री, टी फॉर ट्री के पहले क्या आता है देखिए, टी फॉर ट्री के पहले क्या आता है, एस फॉर स्पून.
एस फॉर स्पून लिखिए यहाँ पे आप। फिर वी फॉर वैन के बाद क्या आता है, वी फॉर वैन के बाद क्या आता है, वी फॉर वैन के बाद क्या आता है बेटा, देखिए वी फॉर वैन के पहले क्या आता है, यू फॉर अम्ब्रेला, तो यहाँ पे यू फॉर अम्ब्रेला लिखेंगे। फिर एक्स फॉर एक्समस ट्री के पहले क्या आता है, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्समस ट्री के पहले क्या आता है, डब्ल्यू फॉर वॉच, ये है एक्स फॉर एक्समस ट्री एंड वाई फॉर डब्ल्यू फॉर वॉच, तो यहाँ पे डब्ल्यू फॉर वॉच लिखेंगे। ओके फिर लास्ट है आपका जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा के पहले क्या आता है आपको पता है, देखिए जेड फॉर जेब्रा है उसके पहले आएगा वाई फॉर याक। ओके स्टूडेंट, ये आपका बिफोर लेटर कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका लास्ट में आता है राइट द फर्स्ट लेटर। ओके मैंने यहाँ पे डेट डाल के रखा है 7/1/2021। देखिए आपको पिक्चर दिख रहा है, कौन सा पिक्चर है, ये एन फॉर नर्स, तो एन फॉर नर्स लिखेंगे यहाँ पे। फिर व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स, एंड दिस इज व्हाट इज इट, दिस इज लायन, एल फॉर लायन। फिर ओ फॉर ऑरेंज, व्हाट इज इट, दिस इज मंकी, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इग्लू, आई फॉर इग्लू लिखेंगे। फिर व्हाट इज दिस, दिस इज एच फॉर हैन, एंड जे फॉर जग, एंड लास्ट है आपका के फॉर काइट। ओके स्टूडेंट, टुडेज वर्क कंप्लीट, थैंक यू।